मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, बूथ अध्यक्षों को दिए जीत का मंत्र। लखनऊ में सपा ऑफिस पर मनाया गया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव ने शॉल पहनाकर दी बधाई। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को उनके जन्मदिन पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सैफई में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के 83वें जन्मदिन के मौके पर केक काटा, स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। लखनऊ में किसान महापंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत, बिल वापसी के बाद एमएसपी समेत 6 मांगों को लेकर अड़े किसान। अयोध्या दौरे पर यूपी डीजीपी मुकुल गोयल, राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का लिया जायजा, अवध विश्वविद्यालय में सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक, सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकारी बैठक में हुए शामिल, आईबी के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को मिला वीर चक्र, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित, अभिनंदन ने पाक के F-16 को मार गिराया था। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार का किया आयोजन, लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। पीलीभीत में 2 दिवसीय दौरे पर सांसद वरुण गांधी 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग, ईश निंदा के खिलाफ सरकार बनाए कानून, मजहबी मामलों से न्यायपालिका को दूर रहने की चेतावनी, कॉमन सिविल कोर्ट को बताया असंवैधानिक। कौशाम्बी में सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान, कहा बीजेपी पिछड़ों को स्टूल पर बैठाकर उनकी औकात बताने का काम करती है। यूपी में पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी ने साधा निशाना, ट्वीट कर साझा किया वीडियो, कहा कैराना से पलायन कराने वाले अब खुद ही भागने को हुए मजबूर। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने योगी मोदी की वायरल फोटो का किया जिक्र, कहा ये बदलते भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। पठानकोट में आर्मी के त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड ब्लास्ट, बाइक सवारों ने सिपाही को निशाना बनाकर फेंका था ग्रेनेड ब्लास्ट में, बाल बाल बचा सिपाही। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा पीओके वापस लेना अगला एजेंडा, मोदी सरकार में पीओके फिर से हासिल करने की क्षमता। प्रयागराज में विराट कोहली के कोच ने खिलाड़ियों को सिखाई क्रिकेट की बारीकियां, नए क्रिकेटरों की जमकर की तारीफ। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में सीएए एनआरसी पर हुआ मंथन, सीएए को लेकर बोर्ड की बैठक में बनी रणनीति, केंद्र सरकार से सीएए को वापस लेने की मांग। गाजियाबाद में 7 गौ तस्करों को पुलिस एनकाउंटर में गोली मारने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, सपा विधायक ने बीजेपी विधायक को दी धमकी, एमएलए नंदकिशोर ने एमएलए असलम को बताया अनपढ़। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मामले में परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में पाकिस्तान से आए बांग्लादेशी हिंदू परिवारों का होगा पुनर्वास, शरणार्थियों को 2 एकड़ जमीन और घर के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन देने की होगी व्यवस्था। कानपुर में जीका वायरस के अब तक कुल 139 मामले आए सामने, जिसमें 123 मामले नेगेटिव हो चुके हैं और अब 16 मरीजों का इलाज जारी। अलीगढ़ में लेन देन को लेकर 2 पड़ोसियों के झगड़े से बच्चे की हुई हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। जौनपुर में रूई से लदा ट्रक में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी, दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। एटा में युवक को पीटते हुए वीडियो वायरल, बच्चे के गले में पड़ा लॉकेट तोड़ने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 2 लोग जख्मी, वीडियो वायरल। नोएडा में सेक्टर 137 के पैरामाउंट फ्लोरा विला सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। हाथरस में हेलीकॉप्टर पर सवार होकर नई नवेली दुल्हन ससुराल पहुंची, बेटी का सपना था, गांव वालों ने नवयुगल जोड़े का किया स्वागत। लखनऊ में बारात लेकर जा रहे बारातियों और क्षेत्रीय दबंगों के बीच जमकर हुई मारपीट, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में कागज व्यापारी को दुकान में घुसकर गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दिया था हादसे को अंजाम। आगरा में सोलदाने की फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने बुझाई आग। बागपत में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर में गैस भरते समय कार में लगी आग, लोगों ने पाया आग पर काबू।
अलीगढ़ जेल में पेड़ से लटका मिला कैदी का शव, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मिर्जापुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से एक की मौत, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन शुरू की। रायबरेली में सरेआम दबंगई, बीच सड़क पर युवक की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में सड़क हादसे में युवती की मौत, भीड़ ने ट्रक के ड्राइवर को नीचे उतारकर पीटा। शाहजहांपुर में 3 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, कई राज्यों में करते थे सप्लाई। मेरठ में वोटर लिस्ट रिवीजन में झोल, एक ही बूथ पर एक महिला के नाम से बने 10 वोट, छावनी मंडल प्रभारी डीएम को सुधार के लिए लिखा पत्र। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में दूध के टैंकर ने कार में मारी टक्कर, हादसे में कार ड्राइवर की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती के भिंगा स्थित पार्टी कार्यालय पर सपा के पूर्व विधायकों की मौजूदगी में सपा जिला अध्यक्ष सरबजीत यादव ने केक काटकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। चित्रकूट में सपा जिला अध्यक्ष अनुज यादव ने केक काटकर मनाया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन, पूर्व विधायक वीर सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन गरीबों को सब्जियां बांटकर मनाया गया, सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गरीबों की मदद की। सपा छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता नरेंद्र भाटी का बुलंदशहर में कई जगह ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। हमीरपुर में 2 अवैध असलाह फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, मोधा और मुस्कुरा थाना इलाके में चल रही थी अवैध असलाह फैक्ट्रियां, करीब 14 तमंचे बरामद। सहारनपुर एसएसपी ने की नई पहल, रविवार को होगा न्याय दिवस का आयोजन, न्याय दिवस में आए लोगों को एसएसपी दिलाएंगे तत्काल न्याय। मथुरा के मांटमुला क्षेत्र के ईदगाह के पास एक मकान में महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला, करंट लगकर हत्या की जताई जा रही आशंका। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है, मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरिद्वार तहसील के लेखपालों ने कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरना दिया, कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी पर लेखपालों से अभद्रता का आरोप। रामनगर में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उत्तरकाशी में देवस्थानम एक्ट के विरोध में महापंचायत की बैठक, आर पार की लड़ाई के पक्ष में तीर्थ पुरोहित। हल्द्वानी में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। चमोली में शंकराचार्य की गद्दी और उद्धव की उत्सव ढोली शीतकालीन प्रवास के लिए बद्रीनाथ से रवाना हो गई है। काशीपुर में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ली स्वास्थ्य कर्मचारियों की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। उत्तरकाशी में 42 वर्षीय महिला की पहाड़ी से नीचे गिरने से मौत, घास काटने गई थी महिला, एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। हरिद्वार में हरीश रावत को मिला लोक गायिका का साथ, कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने पूर्व सीएम के लिए गाना गाया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज किया अभियान, 70% काम पूरा होने का किया दावा। अल्मोड़ा में पूर्व विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, महंगाई, बेरोजगारी और आपदा मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आज से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम ममता बनर्जी, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से भी मिलने का कार्यक्रम। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में गैर जरूरी सामानों वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक, 26 नवंबर तक बढ़ी, कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम भी जारी रहेगा। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 247 नए केस आए सामने, 278 मरीज हुए ठीक और एक की हुई मौत। नवाब मलिक का एक बार फिर समीर वानखेड़े पर निशाना, तस्वीर ट्वीट कर लगाया आरोप, समीर के निकाहनामे पर दस्तखत करने की फोटो, दावे के साथ की पोस्ट। बुधवार को होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, सूत्रों के मुताबिक कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव पर होगी चर्चा, बैठक में प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी। अगरतला में टीएमसी के यूथ प्रेसिडेंट शाइनी घोष की गिरफ्तारी पर बढ़ा विवाद, दिल्ली में टीएमसी के 15 सांसदों का धरना। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी आरएसएस पर आरोप, कहा माइनॉरिटी को परेशान कर रहे हैं दोनों, सरकार पर घाटी में मासूम लोगों को मारने का आरोप। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का हुआ पुनर्गठन, महेश जोशी, रामलाल जाट समेत कुल 15 नए मंत्रियों ने ली शपथ, जाति संतुलन बनाने की बड़ी कोशिश। पूर्व भारतीय क्रिकेटर उन्मुक्त चंद ने की सिमरन खोसला से शादी, इन दिनों उन्मुक्त चंद अमेरिका में है।
मध्य प्रदेश के स्कूल फिर से खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने सीएम शिवराज को भेजा पूरी क्षमता के साथ क्लासेस चलाने का प्रस्ताव। पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत दे सकती है छत्तीसगढ़ सरकार। भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज वैट घटाने को लेकर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शादी समारोह के दौरान जमकर हुई हर्ष फायरिंग, अंधाधुंध गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का करेंगे समापन, कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। आज भक्तों का हाल जानने निकलेंगे बाबा महाकाल, करीब 2 साल बाद परंपरागत तरीके से निकलेगी बाबा की सवारी। बिहार के छपरा में बेकाबू कार पलटी, 4 युवकों की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड के पलामू में थाने में धमाका, 2 चौकीदार समेत कई लोग जख्मी। आज झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ, सारी तैयारियां पूरी, राज्यपाल रमेश बैस करेंगे उद्घाटन, सीएम भी रहेंगे मौजूद। गुजरात में आज 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे, स्कूल आने के लिए बच्चों के अभिभावकों की अनुमति जरूरी। हिमाचल के शिमला में रेलिंग तोड़ते हुए होटल की पार्किंग में गिरी कार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अमेरिका में थैंक्सगिविंग पर बड़े जश्न की तैयारी, इस मौके पर 20 मिलियन हवाई यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अल साल्वाडोर ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई, राष्ट्रपति बकेलो ने कहा केंद्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो मुद्रा का उपयोग करेगी। चीन में बर्थ रेट में आई भारी गिरावट, 43 साल के सबसे निचले स्तर पर रहा, इस साल 1% से भी कम रहा बर्थ रेट। कोविड पाबंदियों के खिलाफ यूरोप के शहरों में तोड़फोड़ और हिंसा, कई लोग जख्मी, नीदरलैंड सरकार ने लगाया है नाइट कर्फ्यू। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आटे का स्टॉक खत्म, गेहूं की किल्लत से मिल मालिक अपनी मिलों को बंद कर रहे हैं, लोग परेशान। अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत में बड़ा हादसा, क्रिसमस परेड में एक कार ने 20 लोगों को रौंदा, एक शख्स की मौत, 20 लोग जख्मी। सूडान में लोगों का प्रदर्शन, पीएम के साथ सैन्य समझौते के खिलाफ लोगों का मार्च, सेना से जुड़े किसी भी सौदे को अस्वीकार करने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। फ्रांस के पेरिस में चैंस एलिसीज एवेन्यू को रेड लाइट में किया गया रोशन, और पेरिस की मेयर और फ्रांसीसी गायक भी रहे मौजूद। डार्विन के 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर तक की है रेंज, स्कूटर को बॉक्सिंग चैंपियनशिप मैरीकॉम ने किया है लॉन्च। ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की संख्या 8 करोड़ के हुई पार, 3 महीने पहले ही शुरू हुआ था पोर्टल। सिंगापुर भारत के बीच यात्री उड़ानों को बहाल करने की सहमति बनी, भारत के साथ सिंगापुर टीकाकरण यात्रा लेन 29 नवंबर को होगी शुरू। अब जीवन साथी पेंशन पाने के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा नया खाता खुलवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं बैंक। ऑटो सेक्टर का सबसे फीका रहा फेस्टिव सीजन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 5.33% की गिरावट, पिछले 10 साल में सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुए। पेट्रोल डीजल पर राहत से 80,000 करोड़ रुपए के बोझ में सरकार, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा। कोलकाता में भारत की शानदार जीत, न्यूजीलैंड को 73 रनों से दी मात। भारत ने 7 विकेट खोकर न्यूजीलैंड को 184 रन का लक्ष्य दिया था, रोहित शर्मा 56 रन, ईशान किशन ने 29 और श्रेयस अय्यर ने 25 रन बनाए। अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच, T20 सीरीज के खत्म होने के बाद अब सभी की नजरें आने वाली टेस्ट सीरीज पर है। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपने नाम 150 छक्के किए पूरे, साथ ही T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। आज टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी और न्यूजीलैंड की टीम कानपुर पहुंचेगी, 25 नवंबर को पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क में होना है। IPL में चौथी बार खिताब जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने जमकर मनाया जश्न। बादशाह के सुपरहिट सॉन्ग जुगनू पर मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके। अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने एक्सरसाइज का वीडियो किया शेयर।